Good morning students we are studying chapter photosynthesis in higher plants and we have studied that during photosynthesis ATP and NADPH are produced so how actual ATP synthesis takes place in the chloroplast, we are going to study about it. And the topic is chemiosmotic hypothesis why it is written as chemiosmotic hypothesis because the chemicals are synthesized and all these take place simultaneously in the chloroplast or in during the photosynthesis. But to understand the mechanism we will study it stepwise. So we are using the term hypothesis. सो आई इन फोटोसिन्थेसिस वॉट विल हैपन वेन ए टी पी विल बी सिंथेसाइज देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्बरेन प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक तरफ प्रोटोन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ क्या होंगे कम होंगे जिससे एक प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा एंड दिस प्रोटोन ग्रेडियंट ये कहाँ होगा इट विल टेक इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलकॉइड अब हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा वहाँ हमने पढ़ा कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा स्ट्रोमालेमिली है उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रैना है और हमने पढ़ा कि जो ग्रैना है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं स्टैक्ड हैं और इंडिविजुअली इसे हम क्या कहते हैं थाइलेक्वाइड तो ग्रैना तो जो क्या हो गए स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है और ग्रैना के अगर एक पार्ट को हम कंसीडर करते हैं सो लेट अस हैव अ लुक सी these together they are known as grana but when we talk about a single part so this is known as thylakoid and these this is the membrane this is a double membrane structure aur yahan jo ab proton gradient ki baat chal rahi hai ye proton gradient ab kahan hoga membranes of the thylakoid mein hoga अब जो यहाँ जो difference हमें देखने को मिलता है photosynthesis और respiration के अंदर तो हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन है वो कहाँ हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड द मेम्ब्रेन और जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इन द ल्यूमन ल्यूमन क्या है जो थाइलाकॉइड है उसकी जो अंदर की कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन तो वहाँ पर जो है प्रोटोन्स इकट्ठे होते जाएंगे जबकि रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्यूमलेट होते हैं इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकोन्ट्रिया यानी माइटोकोन्ट्रिया की जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है उन दो मेम्बरेन्स के बीच में प्रोटॉन्स एक्मिलेट होते हैं इन रेस्पिरेशन बट हेयर वी आर स्टार्टिंग फोटोसिंथेसिस तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर एक्यूमिलेटिंग इन टू द ल्यूमन इनसाइड द मेम्बरेन है नाउ क्वेश्चन कम्स कि जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है किसके कारण हो रहा है सो वट वी विल कंसिडर दैट दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस सो दैट हम इसकी जो स्टडी है वो एक ईजियर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे सबसे पहले क्या होगा जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं एच टू ओ है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक इन इन साइड द ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ब्रेक डाउन होगा और जब वाटर ब्रेक डाउन होगा इट विल रिलीज एच प्लस हाइड्रोजन आयन्स यानी कि प्रोटोन्स और जो प्रोटोन्स हैं किसके कारण प्रोड्यूस हुए बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और क्योंकि ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा था इनर साइड में यानी कि ल्यूमेन ऑफ द थालोकॉइड के अंदर प्रोटोन्स यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमिलेट हो जाएगा दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो कि हमें क्या शो कर रहा है लाइक जो ल्यूमन इनसाइड शो हो रहा है और ये थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन शो हो रही है सो डार्क पिंक कलर ये मेम्ब्रेन है अंदर जो है वाइटिश कलर ये ल्यूमेन है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ थालाकॉइड एंड वी आर एबल टू सी इन द डायग्राम आल्सो कि जो वाटर है वो इनसाइड ब्रेक हुआ एंड एच प्लस एच प्लस दे आर प्रेजेंट इनसाइड इट सो हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन के अंदर क्या हो गए हैं कलेक्ट हो गए हैं नाउ अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्ट हो गए थे दे विल मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स जैसा कि हमने पढ़ा फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू पी एस वन और पी एस टू है अब पी एस टू से स्टार्ट होता है लाइट फॉल होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे प्रोटॉन्स जो हैं दे विल बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो अंदर थे प्रोटॉन्स वो अब कहाँ आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे एंड दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो प्राइमरी असेप्टर था इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा कि प्राइमरी असेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं एक ए डी पी है और एक एन ए डी पी एच है और ये दोनों ही जो असेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है मेम्बरेन के आउटसाइड में प्रेजेंट है सो इट ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये जो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही हैं ये क्या करेंगी अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेंगी टू द नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर को देंगे और हाइड्रोजन कैरियर कहाँ हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है इनसाइड द ल्यूमिन प्रेजेंट है इसलिए जो मोलिक्यूल्स हैं रिमूव अ प्रोटोन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक प्रोटोन को वहाँ से रिमूव कर लेंगे बैलेंस मेंटेन करने के लिए नाउ एज दीज मोलिक्यूल्स आर पासिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटोन इज रिलीज क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और उसके बदले में क्या हो रहा है प्रोटॉन्स जो हैं वो इनर साइड से कहाँ आ रहे हैं आउटर साइड में यानी वाटर स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन आयन बने हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में बने जो कि प्रोटोन्स हैं बाहर इलेक्ट्रॉन असेप्टर है इलेक्ट्रॉन असेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है हाइड्रोजन कैरियर को और उसके बदले में जब एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड एंटर कर रहा है वन प्रोटोन इज कमिंग अप सो अब इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम है एन ए डी पी एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रोमा साइड स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में अब अलॉन्ग विध इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्राम द असेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी एस वन प्रोटोन्स आर नेसेसरी हमने पढ़ा पी एस टू पी एस टू के पास इलेक्ट्रॉन्स थे लाइट फॉल हुई एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन असेप्टर प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन असेप्टर अपने उसने क्या किया वो इलेक्ट्रॉन्स किसको पास किए फिर पी एस वन और वहाँ पर फिर एक्साइटमेंट हुई फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए और किसके पास चले गए थे एन ए डी पी प्लस के पास और किस में कन्वर्ट हो गए थे एन ए डी पी एच एच प्लस में तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वेन एन ए डी पी प्लस इज़ रिड्यूसिंग इन टू एन ए डी पी एच प्लस प्रोटोन्स भी ज़रूरी हैं एंड देट्स वाई जो प्रोटोन्स हैं दे आर रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा वहाँ से उसको क्या करना ज़रूरी है रिमूव करना ज़रूरी है सो विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इज इन नंबर वाइल इन द ल्यूमन देयर इज एक्मलेन ऑफ प्रोटोन्स तो अब क्या हो जाएगा जो प्रोटोन्स हैं वो ल्यूमन से तो क्या हो जाएंगे प्रोटोन्स स्ट्रोमा में डिक्रीज होते जाएंगे एंड इन द ल्यूमन देर इज़ एक्मलेन ऑफ प्रोटोन्स प्रोटोन्स वहाँ पर इंक्रीज होते एंड दिस क्रिएट्स अ प्रोटोन ग्रेडियंट तो हमने क्या देखा कि क्योंकि वाटर ब्रेक हो रहा है स्प्लिटिंग हो रही है तो ल्यूमेन के अंदर तो इकट्ठे हो रहे हैं और जब स्ट्रोमा में वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं स्ट्रोमा में डिक्रीज क्यों हुए क्योंकि जो एन प्लस है जब वो रिड्यूस हो रहा है एन में तो इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है साथ में क्या ले रहा है प्रोटोन्स भी ले रहा है और इस तरह से हमारा क्वेश्चन था कि प्रोटोन ग्रेडियंट किस तरह से मेंटेन होता है सो दिस प्रोटोन ग्रेडियंट इज़ मेंटेन बिकॉज ऑफ़ द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन असेप्टर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं प्रोटॉन्स को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं यानी हाइड्रोजन कैरियर को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और इसलिए क्या हो जाता है वहाँ पर एक प्रोटोन ग्रेडियंट मेनटेंड हो जाता है नाउ वट इज़ द वाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोन ग्रेडियंट या क्या ज़रूरत है इसके बारे में पढ़ने की ग्रेडियंट के बारे में इसलिए ज़रूरी है कि जब ग्रेडियंट ब्रेक होगा देन ओनली द सिंथेसिस ऑफ ए टी पी विल टेक प्लेस और ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसलिए एनर्जी जो ए टी पी है उसका सिंथेसिस ज़रूरी है और वो कब होगा जब ग्रेडियंट मेन्टेन होगा एंड दिस ग्रेडियंट इज़ ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन्स एकर द मेम्बरेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेंबरेन चैनल ऑफ द सी एफ नोड ऑफ ए टी पीथे सिंथेस अगर अब हम डाइग्राम देखते हैं तो डायग्राम के अंदर हमें जो है ए टी पी सिंथेस नाम का एक एंजाइम नज़र आ रहा है एज आई एम शोइंग यू इन द डायग्राम सी हेयर दिस इज दिस इज़ ए टी पी सिंथेस ये जो एंजाइम है ये ए टी पी सिंथेस एंजाइम है और ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा ये एंजाइम ए टी पी सिंथेस एंजाइम जो है इट विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ए टी पी एस एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें टू पार्ट्स हैं एक फर्स्ट पार्ट इज़ एफ नोट एफ नोट पार्ट जैसा कि डायग्राम में भी क्लियर है एफ नोट पार्ट दिस इज़ एफ नोट पार्ट एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन और एक जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म हो रहा है जो कि प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है जबकि जो अदर पार्ट है दिस इज़ एफ वन पार्ट दिस इज़ एफ नोट पार्ट एफ नोट पार्ट इज़ एम्बेडेड इन टू द मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन है और जबकि एफ़ वन पार्ट है वो बाहर की तरफ प्र्यूटेड है ये एक चैनल फॉर्म कर रहे हैं और जो कि प्रोटॉन्स के ट्रांसफ़र होने में हेल्प कर रहे हैं सो so, एफ एफनॉड एम्बेडिड हो गया प्रोटॉन्स यहाँ से डिफ्यूज़ होंगे और जो एफ एफनॉड है जो कि प्रोट्यूडिंग आउट कर रहा है और किसकी तरफ फेस कर रहा है स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा है जो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा सो इनफ एनर्जी विल बी रिलीज एंड वॉट विल हैपन देयर की जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा किसकी प्रेजेंस में एंजाइम ए टी पी एस की एंजाइम की प्रेजेंस में एंड इट विल रिलीज सेवरल मोलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ नोन एज ए टी पी इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के बाद हमें किसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए थाइलाकाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए थाइलाकाइड के पास एंजाइम प्रेजेंट है ए टी पी एज एंड दिस एंजाइम विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ दिस प्रोटोन्स देन वॉट विल हैपन अब जब यहाँ पर कैमी ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो कैमी ऑस्मोसिस में हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रोटोन पंप की हमें ज़रूरत है एक प्रोटोन ग्रेडियंट की ज़रूरत है एंड ए टी पी सिंथेस नाम के एंजाइम की, की ज़रूरत है नाउ वट एनर्जी विल बी यूज दिस विल ट्रांसफ़र और पम्प द इलेक्ट एक ग्रेडियंट मेंटेन होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट कहाँ हो जाएगा थाइलाकॉयड ल्यूमिन में एटीपी टी सिंथेस सिंथेस क्या करेगा जो एंजाइम है वो अलाउ करेगा प्रोटोन्स को मूव करने के लिए एंड दिस विल रिलीज एनर्जी और जिससे जो एटीपी सिंथेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द एटीपी और इस तरह से ए से क्या फॉर्म हो जाती है ए अब एन जो प्रोड्यूस हो रहा है बाई द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो ए टी पी है इट विल भी यूज इमीडिएटली इन द बायो सिंथेटिक रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रहे हैं रिएक्शन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी फोटोसिंथिस कर रहा है एंड रिजल्ट ऑफ द फोटोसिथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर दैट विल टेक प्लेस